ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर में पंडित दीपक भारद्वाज। प्रिय मित्रों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा मिथुन राशि वाले जातकों की जीवन शैली कैसी रहती है, उनके जीवन चरित्र के बारे में चर्चा करेंगे कि मिथुन राशि वाले जातकों का स्वभाव, स्वास्थ्य, व्यवसाय, नौकरी और दाम्पत्य जीवन, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहता है। मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है और इसका मिथुन राशि का हरा रंग है, ग्रीन कलर। स्वभाव से यह क्रूर और दुष्स्वभाव राशि है, यानी इसमें दो तरह के स्वभाव मिक्स रहते हैं और यह थोड़ी चंचल प्रवृत्ति होती है इसकी। वायु तत्व है, पश्चिम दिशा की स्वामी है और इसका शरीर में जो अंग है, तो इसका गला और भुजाओं के ऊपर तो इसका इफेक्ट रहता है। वात प्रकृति है और शीर्षोदय राशि है, यानी सिर से उदय होने वाली। अब इसके रूप रंग की बात करें तो मिथुन राशि वाले जातकों का जो महिलाएं और पुरुष हैं, कद सामान्य रहता है इनका, लंबा कद सामान्यतः लंबा कद रहता है, गले व भुजाओं पर इसका राशि का अधिकार बना रहता है। मिथुन राशि के जातक विनोद प्रिय और थोड़े मीठा पसंद करने वाले होते हैं, मीठा इनको प्रिय होता है। बड़ी आंखें, थोड़ा लाल रंग लिए हुए, बुद्धिमान होते हैं, राजनीति में दक्ष, यानी राजनीति घर की हो या इनके समाज की हो या बाहर की राजनीति हो तो उसमें बहुत तेज होते हैं और निपुण होते हैं। इनके अंदर एक खास बात क्या होती है मिथुन राशि वाले जातकों में, कि यह तर्क वितर्क से बातचीत करके सामने वाले को अपने वश में कर लेते हैं और अपने अनुकूल बना लेते हैं। बचपन में इनकी लाइफ थोड़ी अस्त व्यस्त होती है, पढ़ने लिखने के शौकीन होते हैं, तो लेकिन ये तो इनके अंदर एक आदत होती है कि ये शारीरिक परिश्रम कम करने के बजाय मानसिक परिश्रम अधिक करना पसंद करते हैं। मिश्रित दुस्वभाव राशि होने के कारण मिथुन राशि वाले किसी एक बात पर स्टेबल नहीं रहते, सुबह कुछ बोलेंगे, शाम को कुछ बोलेंगे, तो आज दूसरी बात करेंगे तो कल दूसरी बात करेंगे, यानी एक डिसीजन पर नहीं टिकते। कोई भी कार्य, इनकी एक आदत होती है, कोई भी कार्य बहुत उमंग से, बहुत उत्साह से, बहुत जोर शोर से शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जल्दी ठंडे हो जाते हैं और एक कार्य को पूर्ण रूप से पूरा नहीं कर पाते, बीच में ही दूसरा कार्य हाथ में ले लेते हैं, दूसरे कार्य को शुरू कर देते हैं, जिस कारण इनको वजह सफलता मिलने में दिक्कत होती है और ये पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाते। भावुक ज़्यादा होते हैं, इमोशनल होते हैं, लेकिन अपने जीवन का निर्माण ये स्वयं करते हैं, सेल्फ मेड होते हैं और मेहनती भी होते हैं। स्वभाव की अगर बात करें तो मिथुन राशि वाले जातक कल्पना जगत में ही विचरण करते हैं, बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, बड़े बड़े किले महल बनाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से वैसा हो नहीं पाता, क्योंकि दुस्वभाव राशि होने के कारण यह एक कार्य पर अटल नहीं रहते, पूरा फोकस नहीं लगाते, शुरू में थोड़ा ध्यान लगाएंगे और बाद में इनका ध्यान उधर से डाइवर्ट हो जाता है। तो स्वास्थ्य के लिहाज से अगर देखें तो वैसे ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से सामान्यतः तो इनका स्वास्थ्य उत्तम रहता है। अगर इनकी कुंडली में बुध की स्थिति ठीक ना हो या इनके कुंडली में तो जो ग्रहों की स्थिति इनके अनुकूल नहीं है, तो सामान्यतः इनको कफ, नाक, कान, गला, नसनायु विकार, मस्तिष्क के रोग, त्वचा रोग, स्किन की प्रॉब्लम, एलर्जी, मिर्गी आदि के दौरे, रक्त की कमी, ऐसे संबंधित रोग होते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों की जो शुभ दिशाएं हैं वह उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम होती हैं। अगर व्यवसाय और नौकरी की दृष्टि से हम बात करें तो इनके क्षेत्र जो संबंध आते हैं व्यवसाय और नौकरी के, उसमें राइटर, लेखक, उपन्यासकार, इंजीनियर, अकाउंटेंट, प्रोफेसर, टीचिंग लाइन,
डॉक्टर, डेंटिस्ट, आपके प्रॉपर्टी डीलर और जो प्रेस के मालिक, संपादक, स्टेशनरी के, तो जो आपके जो पुस्तक के जो विक्रेता होते हैं, स्टेशनरी से संबंधित कार्य, बैंकिंग सेवा, ज्योतिष से संबंधित कार्य, ये सब इनकी फील्ड में आते हैं। और ये एक्सपोर्ट, तो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम भी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, विदेशों से व्यापार में इनको सक्सेस मिलता है। जहाँ मिथुन राशि वाले के जातक व्यापार करते हैं तो इनका व्यापारिक कनेक्शन होता है, या मतलब जिस क्षेत्र में जॉब वगैरह करते हैं, जो नौकरी करते हैं, वहाँ पर अपनी रेपुटेशन बना लेते हैं और इनकी एक अपनी अहमियत, अपनी पहचान, अपनी इम्पोर्टेंस होती है। अच्छा या झूठ बोल लेते हैं, अच्छा झूठ बोलकर सामने वाले को अपने अनुकूल कर लेते हैं और उसको अपने कॉन्फिडेंस में, अपने विश्वास में ले लेते हैं। प्रायः मिथुन राशि के जातक मिडिल एज में, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे इनको सक्सेस मिलता है। 29-30 वर्ष की आयु में सेटल होते हैं, स्टेबिलिटी आती है, लेकिन 40 वर्ष के बाद पूर्ण रूप से सक्सेस हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं और लास्ट में जिनको संतुष्टि मिलती है, जिनको सेटिस्फैक्शन मिलता है। अगर इनके दाम्पत्य जीवन की, तो वैवाहिक जीवन की बात करें तो अधिकांश मिथुन राशि वाले जातक और जातिकाओं का, मेल हो या फीमेल, तो इनका अधिकांश जो वैवाहिक जीवन है तो इनकी फैमिली लाइफ जो है कलहपूर्ण होती है और इनका जीवन मानसिक तनाव से भरा रहता है, मेंटली टेंशन इनको ज़्यादा होती है। लेकिन इनका वैवाहिक जीवन अंत तक चलता है। अगर इनकी कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी है और इनका 7th हाउस और इनका 5th हाउस और 11th हाउस की पोजीशन अच्छी है कि, तो इनका वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध भी इनके अच्छे चलते हैं। लेकिन प्रेम संबंधों में प्रायः ये असफल हो जाते हैं क्योंकि एक बात पर स्टेबल नहीं रहते और थोड़ी इनकी झूठ बोलने की भी हैबिट होती है, तो इसलिए तो इनका तो अट्रैक्शन बहुत जल्दी चेंज होता रहता है क्योंकि राशि इनकी दुस्वभाव है, तो इनके नेचर में बदलाव आता रहता है। तो इस वजह से इनके लॉन्ग रिलेशन, प्रेम संबंध में नहीं चल पाते और उन पर अधिकतर इनको असफलता मिलती है। और इनका अपोनेंट सेक्स स्त्री है तो पुरुषों के प्रति और पुरुष है तो स्त्रियों के प्रति इनका आकर्षण बना रहता है और कुल मिलाकर इनके जीवन में उतार चढ़ाव काफ़ी होता है। लेकिन उतार चढ़ाव होने के बावजूद भी ये लोग लास्ट में सफल हो जाते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना लेते हैं। पैतृक संपत्ति भी मिलने की संभावना बनी रहती है। और तो अगर हम बात करें मिथुन राशि वाले जातकों की, अगर इनकी कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी है तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो फील्ड इनकी है तो उस फील्ड में इनको बहुत सक्सेस मिलता है, बहुत नाम कमाते हैं। और दाम्पत्य जीवन में भी अगर ये थोड़ा सा संयम से काम लें तो उनका दाम्पत्य जीवन भी बहुत सफल होता है। अगर हम बात करें इनके इष्ट देव की, जिनके आराध्य देव, तो इनको विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए और एक पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। तो विष्णु भगवान की पूजा करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो जो आपकी कुंडली में जो अशुभ दोष हैं और तो जो अशुभ ग्रहों के जो प्रभाव तो आपके ऊपर पड़ते हैं तो उनसे आप बचे रहेंगे और विष्णु भगवान की आपकी कृपा और ब्लेसिंग बनी रहेगी और आपका पूर्णतः जीवन आपका सुखमय बनेगा। अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आइकन बेल का जो बटन है तो उसको दबाएं। इसी के साथ हम आपको अगली वीडियो में मिलते हैं। जय श्री हनुमान।